फ्रेंड्स वॉच फुल वीडियो केयरफुली एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करिए, इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहेगी। संपूर्ण ग्लोब का अंश 360 डिग्री है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पूरा एक चक्कर 24 घंटे में लगा लेती है, जिससे दिन व रात बनती हैं। कहने का अर्थ यह है पृथ्वी का संपूर्ण देशांतर अंश 360 डिग्री 24 घंटे के बराबर है, अर्थात 360 डिग्री बराबर 24 घंटे, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा जो है 60 मिनट के बराबर, 5 डिग्री बराबर 20 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट तथा आधा डिग्री बराबर 2 मिनट होता है। ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर से हमारे भारत की घड़ी 5.5 घंटे आगे रहती है। कहने का अर्थ यह है कि भारत में जो समय हो रहा है उसमें 5.5 घंटा अगर घटा दें तो ग्रीनविच का समय निकल जाएगा और यही ग्रीनविच से किसी भी देश के समय का पता चल जाएगा। ब्रिटेन के ग्रीनविच नामक स्थान जहां से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, इस समय को ग्रीनविच मीन टाइम अर्थात GMT कहा जाता है, जो कि पूरे विश्व का मानक समय है। ग्रीनविच के पूर्व में स्थित क्षेत्रों की घड़ियां GMT से आगे होती हैं, जिसे प्लस से, और पश्चिम के स्थानों की घड़ियां GMT से पीछे होती हैं, जिसे माइनस से दिखाया जाता है। भारत की औसत देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्व की है, जो इलाहाबाद के नैनी के निकट से होकर गुजरती है। इस प्रकार भारत का स्थानीय समय GMT से 5.5 घंटा आगे है और इसे भारतीय मानक IST समय कहा जाता है। भारत में सुबह के 9 बजे हैं तो ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर क्या समय होगा? तो भारत की घड़ी 5.5 घंटे ग्रीनविच से आगे रहती है, तो हमें ग्रीनविच का समय ज्ञात करने के लिए 5.5 घंटे पीछे जाना होगा, अर्थात 9 बजे में से 5.5 घंटे घटाने होंगे। तो जब हम 9 बजे में से 5.5 घंटा घटाते हैं तो हमारा आंसर आता है 3:30। तो भारत में सुबह के अगर 9 बजे हैं तो ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 3:30 बजे होंगे। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार सुबह के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री, जो इलाहाबाद के नैनी के निकट से लिया गया है। 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित शिलांग, जो मेघालय की राजधानी है, इनके बीच देशांतर का अंतर कितना है? तो 92 डिग्री से हम 82.5 डिग्री माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 9.5 डिग्री। चूंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट के है तो 9.5 डिग्री यानी कि 9.5 × 4 बराबर 38 डिग्री के बराबर होगा, अर्थात 9 डिग्री को पूरा गुणा करेंगे 4 में तो हमें 36 प्राप्त होगा, और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट अगर होता है तो आधा डिग्री बराबर 2 मिनट, तो आधा डिग्री 36 में जुड़ेगा तो हो जाएगा 38 मिनट। 10 बजे में 38 मिनट प्लस कर देंगे तो जब प्लस करेंगे ये हो जाएगा 10:38, अर्थात 10:38 जो समय है वो हो रहा होगा 92 डिग्री पर, जो कि है शिलांग। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। यदि भारत के मानक समय देशांतर पर दोपहर के 12 बजे हैं तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय मान क्या होगा? तो इसको भी बिल्कुल उसी तरह से करना है, अंतर निकालेंगे। भारत का मानक समय देशांतर रेखा है 82 डिग्री,
देशांतर रेखाओं का अंतर होगा 120 डिग्री माइनस 82.5 डिग्री, घटाने पर आंसर आएगा 37.5 डिग्री। अब हम इस 37.5 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 4 से गुणा करेंगे, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो 37.5 डिग्री बराबर कितना होगा, तो 37.5 गुणे 4 बराबर हो जाएगा 150 मिनट, 37 गुणे 4 बराबर 148 होता है, आधा डिग्री बराबर 2 मिनट, आधा डिग्री जोड़ देंगे जो बराबर होता है 2 मिनट के, तो हो जाएगा 148 प्लस 2 बराबर 150 मिनट। अब 150 मिनट को घंटे में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसको 60 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 घंटे 30 मिनट। तो अब देखिए मानक समय देशांतर रेखा पर दोपहर 12 बजे हैं, तो 120 डिग्री हमें आगे जाना है, तो उसमें 2 घंटे 30 मिनट प्लस कर देंगे। तो जब 12 में 2 घंटे 30 मिनट प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 14:30, अर्थात 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय मान दोपहर के 2:30 हो रहे हैं। आइए एक और सवाल देखते हैं। भारत में सुबह के 10 बजे हैं, तो 60 डिग्री पश्चिम देशांतर पर कितना समय हो रहा है? भारत का मानक समय देशांतर बराबर है 82.5 डिग्री के, और इसमें बज रहे हैं सुबह के 10। दो देशांतर का अंतर कितना होगा? यहाँ पर देखिए 60 डिग्री पश्चिम कहा गया है, तो ग्रीनविच से भारत का मानक समय प्लस ग्रीनविच से पश्चिम देशांतर का स्थानीय बिंदु, इसको प्लस करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 82.5 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो जब इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 142.5। अब देखिए 142.5 को जब हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 142 गुणे 4 बराबर हो जाएगा 568, अर्थात आधा डिग्री बराबर होता है 2 मिनट के, तो 568 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 570 मिनट। अब 570 को जब हम घंटे में बदलेंगे, इसमें 60 से भाग देंगे तो ये आएगा 9.5 घंटे। तो भारत में समय 82.5 डिग्री पर 10 बजे हैं, तो 9.5 मिनट अगर हम माइनस करेंगे तो हमें 60 डिग्री पश्चिम का आंसर पता चल जाएगा। जब 10 में 9.5 घंटे माइनस करेंगे तो ये होगा 12.5 घंटे, आंसर आएगा 12.5। अर्थात कहने का मतलब ये है 82.5 डिग्री पर अगर सुबह के 10 बजे हैं तो 60 डिग्री पश्चिम पर सुबह के 12.5 बज रहे होंगे। चलिए इसी सवाल को एक और तरह से करते हैं। भारत का मानक समय देशांतर 82.5 डिग्री जहां पर सुबह के 10 बजे हैं, और हमें 60 डिग्री पश्चिम देशांतर पर कितना बजा है ये पता करना है। तो 82.5 डिग्री पर बजे हैं 10, तो ग्रीनविच 0 डिग्री पर कितना बजा होगा? तो भारत का समय 5.5 घंटा आगे है, तो ग्रीनविच पर समय होगा 10 में से 5.5 घंटा माइनस करेंगे तो ये बजेगा सुबह के 4.5। तो ग्रीनविच का समय हमें मिल गया है जो बजा है 4.5। अब और पीछे जाएंगे 60 डिग्री पश्चिम पर कितना बजा है, यह देखेंगे कि ग्रीनविच से 60 डिग्री पश्चिम का समय कितना पीछे है। तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है, तो 60 डिग्री हमें निकालना है, तो 60 डिग्री बराबर 4 घंटा, तो हमें 4 घंटे पीछे जाने हैं। तो ग्रीनविच पर समय 4:30 बजा है, तो उसमें से 4 घंटा माइनस करेंगे तो 12:30 बजेगा, अर्थात 12:30 60 डिग्री पश्चिम देशांतर पर हो रहा होगा।